अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। और जो हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, यकीनन आप इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, आप सारे जानते हैं कि हमने 3.3 जो है वो स्टार्ट की हुई थी, और इसकी मैंने ऑलरेडी आपको टाइप 1 और टाइप 2 करवा दी हैं। और समरी आपको अगर मैं इसकी बताता चलूँ तो टाइप नंबर 1 में हमने जो पढ़ा था, अगर टाइप नंबर 1 की समरी देखी जाए तो उसमें हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स अवर जी ऑफ एक्स, में हमने ये पढ़ा था कि 0/0 फॉर्म आ जाती है। टाइप नंबर 2 में हमने ये स्टडी किया कि अगर आपके पास फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें फॉर्म बन रही थी 0 × ∞ और उसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इसके जो मेथड्स थे वो दोनों के मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे कि इनको कैसे डील करना है। अब तीसरा प्रॉब्लम है टाइप नंबर 3, और उस टाइप नंबर 3 में ये होगा कि आपके पास एक जो प्रॉब्लम होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की फॉर्म में आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जब आप इसमें एक्स की वैल्यू ए रिप्लेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा और इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कैंसिल करके आप इसको जीरो लिख दें, दो अनडिफाइंड नंबर हैं तो वो लाजमी नहीं है कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और इसको हम ये कहेंगे कि ये टाइप नंबर 3 की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। जैसे ये पहले दो टाइप्स को हमने डील किया था, ऐसे ही टाइप नंबर 3 को हम डील करते हैं। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने का जो मेथड है, ठीक है, इसका कोई अगर देखें तो फिक्स मेथड नहीं है। जैसे इसका था कि आप ये इसको नीचे ले जाएं तो उसमें डिनोमिनेटर में ले जाएं तो सॉल्व हो जाता है, इसमें यह है कि आप डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हम इसमें करेंगे वो ये होगा कि आपके पास यहाँ पे ये जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे तो आप इसका एलसीएम ले रहे, ठीक है, या फिर आप इसमें रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है, रैशनलाइज कर दें तो इस तरीके से भी जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। यानी हमारा जो इसमें बुनियादी मकसद होगा वो ये होगा कि इस फॉर्म को किसी भी तरीके से खत्म करके ये 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाए, मीन्स के टाइप नंबर 1 में हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसका मकसद भी तो यही था, टाइप 2 का भी मकसद यही था कि यही टाइप 1 आए, टाइप नंबर 3 का मकसद भी यही है कि टाइप नंबर 1 आए। टाइप 1 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें टाइप 1 को सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमें पता है, और वो कौन सा फॉर्म होती है, वो चूंकि 0/0 या ∞/∞ फॉर्म होती है तो उसमें LH रूल हम आसानी के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी मकसद यही होगा कि हम इसको टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ कि कैसे आपने जो ना वो इस फॉर्म को टाइप नंबर 1 में, इस टाइप नंबर 3 को टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो हम अभी इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसके प्रॉब्लम है वो 26 से लेकर 31 तक इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 का जो प्रॉब्लम नंबर है इससे रिलेटेड 26 है, ठीक है। 26 में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 अवर एक्स माइनस 1 अवर ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप देखें इसमें एक्स को 0 रखें तो 1 अवर 0 के आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स को 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और 1 अवर 0 आपके पास ये भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। ये कैलकुलेशन आप अपनी कॉपीज पे करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये टाइप नंबर आपके पास आ गई है 3, हम क्या करेंगे टाइप नंबर 3 को टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करेंगे। इसका तरीका मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, और वो यही बताया था कि आपने क्या करना है, इसको आपने इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। देखिए एलसीएम लेने लगूं एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, ये इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे आएगा e की पावर x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस x, ठीक है, e की पावर x माइनस 1 और साथ ही इसके क्या आ गया माइनस x। अब आप x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी x को 0 रखें तो ये 0 फॉर्म आ गई, यहाँ पे भी x को 0 रखा जाए तो 0/0 फॉर्म अपीयर होती है। तो आप देखेंगे टाइप नंबर 3 जो है वो टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हो गई है, ये टाइप 3 थी, ठीक है, और ये टाइप नंबर कौन सी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, तो एलसीएम लेने से ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट हुई है।
अब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, टाइप वन का आपको पता है कि उसमें हम हमेशा एल एच रूल अप्लाई करते हैं, जब भी जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अप्लाई वो फॉर्म आती है, ठीक है, तो हम एल एच रूल लगाते हैं। अब हम एल एच रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, और फिर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, डिवाइडेड बाई यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक्स ऐसे ही आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, वन का जीरो आ गया, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन एज इट इज, और फिर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। इसको मैं एक दफा लिख लेता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब आप एक्स को जीरो रख दें तो ये ई की पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन, और ये भी वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ई की पावर जीरो वन आएगा और वन माइनस वन ये कैंसिल होके जीरो, तो ये स्टूडेंट जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई है। अब अगेन आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे एल एच रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखें क्या आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर वन का क्या आ जाएगा जीरो, और होल डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज, ई की पावर इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स को आप ई की पावर एक्स ही लिखेंगे, देन ई की पावर एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा और वन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया जीरो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक्स की वैल्यू जीरो इसमें रिप्लेस करेंगे तो ई रेज टू पावर जीरो आ गया डिवाइडेड बाय एक्स को आप यहाँ पे जीरो रख दें, ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर जीरो और यहाँ पे ई की पावर क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या इसका आंसर आता है, ई की पावर जीरो वन बन गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो, ई की पावर जीरो वन, यहाँ पे भी वन, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, वन बाई टू आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। मजीद हम इसमें से कुछ करते हैं प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ठीक है, और बाकी बनेगा एक्स अवर एक्स माइनस वन माइनस वन अवर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप एक्स की वैल्यू इसमें वन रिप्लेस करें तो देखिए क्या आएगा, वन यहाँ पे आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, वन अवर जीरो आपके पास इन्फिनिटी आ गया, माइनस यहाँ पे भी लॉग वन जीरो और वन अवर जीरो आपके पास क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास अपीयर होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अभी जो मेथड आपको बताया था, ठीक है, वो मेथड यही था कि आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है टाइप नंबर वन में, तो टाइप नंबर वन में कन्वर्शन का मेथड भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और वो यही था कि आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसमें, तो देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, एक्स अप्रोचेस टू वन, एलसीएम इसका क्या आएगा, एक्स माइनस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि कौन सी फॉर्म बनती है, एक्स को आप वन रखें तो यहाँ पे वन, लॉग वन क्या होगा जीरो, तो ये जीरो फॉर्म, वन माइनस वन यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक्स को वन रखे तो वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी इसमें, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे एल एच रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाई एक्स प्लस फिर लॉग ऑफ एक्स और फिर इसका आ गया वन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया और वन का जीरो आ गया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, फिर लॉग एक्स का होगा वन बाय एक्स प्लस फिर होगा लॉग एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो आ गया, ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या बचता है, वन प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और यहाँ पे साथ इसके क्या था, एक्स को ऊपर लें तो एक्स की पावर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अभी तक हमने एक ही दफ़ा एल एच रूल अप्लाई किया है, ठीक है, और अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो वो क्या आंसर आता है, क्या उसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है। वन एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो लॉग वन जीरो, ठीक है, यहाँ पे भी वन माइनस वन जीरो, ठीक है, आ जाएगा, और जीरो, और यहाँ पे ये जीरो बन गया, यहाँ पे लॉग वन जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे एल एच रूल। अच्छा, अब लॉग एक्स किसके इक्वल होगा, वन बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे एक्स माइनस वन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, फिर यहाँ पे लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन बाई एक्स, ठीक है। अब आप एक्स की वैल्यू वन रख दें इसमें, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। वन अवर वन आ गया नोमिनेटर में, यहाँ पे आप एक्स को वन रखें तो वन माइनस वन जीरो, तो ये सारी वैल्यू आपकी जीरो बन गई पहली। यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो वन की पावर माइनस वन, ये पॉजिटिव वन ही होगा, प्लस यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रखें तो ये भी आपके पास वन आ गया, तो देखिए क्या बन जाएगा, वन प्लस वन टू, तो ये वन ओवर टू इसका कंप्लीट जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इसमें मज़ीद मैं आपको एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ जो कि उससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, फंक्शन से, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी पता लग जाए कि उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, यहाँ पे होगा सेकेंड एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप देखें तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू इसमें रिप्लेस करें, ठीक है, तो सेकेंड पाई बाई टू, आप सबको पता है कि वन अवर कॉज ऑफ पाई बाई टू के इक्वल होता है, ठीक है, और कॉज पाई बाई टू की जो हमारे पास वैल्यू होती है, अगर मैं इसको इलादा से आपको कैलकुलेट करके बता दूं, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना इसमें हो जाएं, वन और कॉज पाई बाई टू की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, तो वन अवर जीरो ही इन्फिनिटी आ गया। इसी तरीके से टेन पाई बाई टू निकालें तो ये बेसिकली होता है साइन पाई बाई टू ओवर कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है और कॉस पाई बाई टू जीरो, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो फॉर्म बनती है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, टाइप नंबर ये आपको पता है थ्री है, सेकेंड को लिख सकते हैं वन अवर कॉज एक्स, टेन को लिख सकते हैं साइन एक्स अवर कॉज ऑफ एक्स, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा वन माइनस साइन एक्स अवर कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, और अब आप इसमें पाई बाई टू रखें तो साइन पाई बाई टू क्या होगा वन, ठीक है, और वन माइनस वन जीरो, और कॉस पाई बाई टू ऑलरेडी जीरो होता है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। तो ये देखिए टाइप नंबर थ्री जो टाइप नंबर वन में कन्वर्ट होगी। तो अब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एल एच रूल अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो देखें क्या इसमें आएगा और कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब आप इसमें लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू, और एल एच रूल लगाएं तो जीरो, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉज एक्स, कॉज का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको चेक करें तो ये बनेगा कॉज एक्स अवर साइन ऑफ एक्स, और अब आप इसमें लिमिट रिप्लेस कर दें, ठीक है, और कॉज ऑफ पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू की वैल्यूज अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, ठीक है। ओवरऑल इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। इस प्रॉब्लम का जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास बन जाएगा जीरो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मज़ीद हम इसमें एक और जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस टाइप से रिलेटेड जो है, ठीक है, वो है इसका 31। तो हमारे पास ये टाइप जो है वो इसकी, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स, एक्स को इन्फिनिटी रखें तो ये इन्फिनिटी
माइनस यहाँ पे भी इन्फिनिटी रखें तो ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, एलसीएम तो नहीं लिया जा सकता ना इसमें, तो चूंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो देखिए मैं इसमें ये करता हूँ, इसकी रेशनलाइजिंग कर देता हूँ। वो आपको पहले बताया भी था ना कि आप क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे या आप क्या करेंगे इसमें रेशनलाइजिंग के जरिए से मैक्सिमम जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसकी रेशनलाइजिंग कर दी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय जो भी इसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब आप देखें स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गई यहाँ पे, और आपके पास जो प्रॉब्लम बनेगा वो देखिए क्या बनता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय फाइव एक्स प्लस एक्स, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा ये आ गया फाइव एक्स अवर एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, अब आप इसको देखिए सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया फाइव एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से अब आप एक्स स्केयर एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें इसमें से। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा ये फाइव अवर एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फाइव एक्स अवर ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस फाइव एक्स अवर एक्स। ठीक है, तो मजीद इसमें देखते हैं हम क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले कर सकते हैं। तो अब आप देखें इसको, अगर आप ऐसे लिख दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइव एक्स, इसमें से अगर ऑल कॉमन ले लिया जाए एक्स, तो ये बचेगा वन प्लस फाइव बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स दोनों कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दें तो ये आएगा वन प्लस फाइव बाई इन्फिनिटी प्लस वन, क्या आ जाएगा वन प्लस नंबर ऑफ इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा वन प्लस वन विच इज इक्वल टू फाइव बाई टू, और ये इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि जो है ना वो कैसे आपने इस टाइप को जो सॉल्व करना है, जिसमें मैंने आपको जो असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं भी 27 नंबर आपने करना है, और इसके अलावा एक 30 नंबर प्रॉब्लम, ये दो जो है वो असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे, तो ये सॉल्व करें। कल हम इसकी एक लास्ट टाइप जो रहती है वो हम जब इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, तो हमारे पास ये 3.3 जो है ना वो इससे रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें यूनिवर्सिटी पेपर्स में से भी एक पार्ट जो है वो मस्ट आता है इस एक्सरसाइज में से। किसी का भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो लाजमी मुझसे डिस्कस कर ले। अल्लाह हाफिज़।